केन्द्र सरकारको पक्षरु बोंडा जनजातिको पई बडो उपहार शिक्षा क्षेत्रले उन्नति करिवे बोंडा जनजाति खैरपुटरे निर्माण हेउची एकलव्य आदर्श विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन कले केन्द्र जलशक्ति और आदिवासी व्यापार मंत्री विश्वेश्वर टुडु मालकानगिरि जिल्ला खैरपुट ब्लक रे बसवास करंती देशर सर्वपुरातन जनजाति बोंडा जनजाति शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन भली मौलिक सुविधारु एमाने वंचित किंतु एबे शिक्षा क्षेत्र रे बोंडांक उन्नति करबाकु केन्द्र सरकारक पक्षरु बड़ पदक्षेप निया जाइछि। खैरपुट रे निर्माण हेउछि एकलव्य आदर्श विद्यालय एबे आउ केउनोसी छात्र छात्री अधारु पाठ छाडिबेनि कि दादन खटिबाकु बाहर राज्यकु जिबेनि। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारिणीक तथ्य अनुसार खैरपुट ब्लॉक रे वर्तमान सुद्धा 6टी विद्यालय रे गृह नथिबा बेले 2023 वर्ष रे 23 जन छात्र छात्री पाठ छाड़ी विवाह कर दैथिला बेले 31 जन को परिवार लोके पाठ अधारु बंद कर दैछंती। सेहिबळी 65 जन छात्र छात्री आर्थिक अनटन जोगु और 144 जन छात्र छात्री विभिन्न कारण जोगु अधारु पाठ छाड़ी दैछंती। तेणु बोंडा जनजाति शिक्षा क्षेत्र में थिबा स्थिति रे परिवर्तन आणिबा पई खैरपुट रे निर्माण हेउची एकलव्य आदर्श विद्यालय। एठिकार जो 6-7 हजार बोंडा जनजातिर लोक अच्छा घाटी उपरे आउ घाटी तले पाखापाखि 11 हजार बोंडा डीडाई लोक जो माने अच्छा सेमानको पई शिक्षा जो सीबीएसई पैटर्न रे पहुँचवा बहुत सहज हो जेहेतु घर पाखे स्कूल है तेणु से जो अधा ड्रप आउट हो जाते अधारु पाठ छाड़ी पलि जाऊँच कम बयस बाहा पड़ते यू समस्या धीरे धीरे से बाहर को आसवे आ बोंडा समाज अवश्य उन्नति कर। केन्द्र जलशक्ति और आदिवासी व्यापार मंत्री विश्वेश्वर टुडु दुईदिनिया मालकानगिरि जिला गस्त समय खैरपुट ब्लक एक एकलव्य आदर्श विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन करते आदिम जनजाति अच्छा सर्वांगीन विकास स्वतंत्र भाव ध्यान आदिवासी बहुल मालकानगिरि जिला को केन्द्र सरकार को एही उपहार निश्चित भाव बोंडा जनजाति शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आणिबो। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल को सह चित्रकोंडारु जगन्नाथ दळेई और मालकानगिरि विक्रम केसरी स्वाईं रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।